हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी यूनिक हेयर और आज मैं आई हूँ एक नई ब्लॉग लेके। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथों पे सारा आटा लगा हुआ है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। आज का ब्लॉग बड़े मज़े का होने वाला है क्योंकि आज हम बना रहे हैं अपने क्रिसमस के पकवान। अगर आप चाह रहे हैं अपने घर में पकवान बनाना क्रिसमस के मीठे मीठे से और आपको नहीं आते, तो ये वीडियो है आपके लिए। इसको ज़रूर देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिए। इसमें तीन रेसिपीज है मज़े मज़े की, जिसमें हमारा है एक गोजे जो कि सूजी से बनते हैं, अंदर फिलिंग होती है उसके। दूसरा है क्रिसमस केक और तीसरा है कलकल, वो भी सूजी से बनते हैं लेकिन उसका जो है वो बिल्कुल तरीका अलग होता है, उसमें कोई फिलिंग वगैरह नहीं होती है। तो हम चलते हैं अब गूंदने हमारा आटा। हाँ जी, तो ये हमारा मैदा है और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक और ये गूंदेगा दूध के साथ। तो पहले हम इसको गूंदते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अब हम यहाँ से आटा लेंगे और ये हमारा खुशका है और आगे हम जैसे जैसे बनाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे कि हम किस तरह से गोजे बनाते हैं। हाँ जी, तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। हम इसके लेंगे छोटे छोटे पेड़े और हमारी लाइट भी चली गई है। ये तो हमारे पास छोटी सी एक लाइट है, तो उससे थोड़ी शक्लें अच्छी आ रही है। इतने इतने से हमने आटे के गोले बनाने पेड़े। देखो कितना छोटा सा, बड़े मज़े का काम है ये, मेरे को बहुत पसंद है। इसका मैं ना पूरे साल वेट करती हूँ कि क्रिसमस करीब आए और हम फिर पकवान बनाएं, क्योंकि मेरे को बहुत शौक है। खाने का इतना नहीं शौक, लेकिन बनाने का बहुत शौक है। तो ये ज़्यादातर मेरी इज्जत से ही ये घर में बनता है हर साल, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है। बस इसीलिए लोग भागते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है मेहनत से हर कोई भागता है। आप ये देखें कितने मज़े का है, ये सारा इसमें बादाम है, पिस्ता है, नारियल है, किशमिश है और सूजी है और चीनी है, अखरोट भी है। और ये हमारी छोटी छोटी गोल गोल रोटियां हैं और ये बन रहा है पहला गोजा ही है। जी, तो सबसे पहले छोटा सा पेड़ा लेना है आपने, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने खुशका डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। उसके बाद छोटी सी गोल सी आपने बनानी है रोटी। उसके बाद अगर आप उसे थोड़ा सा स्टंट करना चाह रहे हैं और हलवाई लोग थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा आपने मसाला डालना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा वरना गोजी फट जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा उसको दूध लगाना है उसके किनारों पर ताकि वो अच्छे से चिपक जाए ऐसे। और फिर आपने उसको सही से दबा के उसका जो एक्स्ट्रा साइड में होता है वो सारा निकाल लेना है और आपका गोजा जो हो जाएगा तैयार हो जाएगा और ऐसी शक्ल में आ जाएगा। ये जो छोटे छोटे से शेपर्स हैं ये आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, किसी भी जगह से जहाँ से बर्तन मिलते हैं आप इसको ख़रीद सकते हैं दुकान से और अपना काम और ईजी बना सकते हैं। और यहाँ मैं रोटी बेल बेल के इतना थक गई थी कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला दो तीन रोटी आप भी बेल दें, तो उन्होंने भी रोटी बेलना शुरू करी। और देखे तो भाई साहब उनकी गोल रोटी तो देखो, तो भाई भाई। और यहाँ हम तीनों मिल के काम कर रहे हैं क्योंकि यह अकेले बंदे का काम बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हेल्प हो जाए तो काम थोड़ा बेहतर हो जाता है। अभी हम लोग सिर्फ इसको बना के रख देंगे और सुबह मम्मा उठेगी तो मम्मा इसको फ्राई करेगी, क्योंकि कराची में पता नहीं क्या हो गया, बहुत मसला चल रहा है गैस का हर किसी के घर में। आजकल गैस नहीं आ रही है, कुछ बन नहीं सकता, चूल्हा ऑन करो तो आग नहीं लगती है, इतनी ज़्यादा गैस की कमी है। तो अभी हम लोग, पहले तो ऐसा था कि हम लोग साथ साथ बनाते थे और साथ ही हम फ्राई पे चढ़ा देते थे, तो दोनों काम साथ साथ हो जाते थे और हम उसी दिन कल कल भी बना लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी गैस का इतना मसला है कि हम लोग ने आज ये करा और सुबह मम्मा इसको फ्राई करेगी, फिर दोपहर में उठ के हम लोग कल कल बनाएंगे, तो उसकी वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। जी हाँ गाइस, तो हमारी सारी की सारी गोजे हो गए हैं तैयार, ये कोई 100 या 100 से ऊपर की हैं, सारी भी बज रहे हैं जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं। तो शुरू हमने करा था 1:30 बजे
और एंड हम कर रहे हैं 5:30 बजे, तो देखें आप कितनी लंबी मेहनत है, इसलिए सारे इससे भागते हैं। ज़्यादातर लोग इसको नहीं बनाते क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है। पैसे तो चलो कहीं ना कहीं से इतने कर ही लेता है बंदा कि इसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि इसमें सारे ड्राई फ्रूट जलते हैं और फिर इसको तलना होता है घी में, तो ये थोड़ा सा महंगा आइटम है। पर इसमें महंगाई से तो छोड़ो, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी हमने अपने ये गोजे तैयार कर लिए और कल हम इसको फ्राई करेंगे सुबह में, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पकवान की तरफ चलेंगे जो के हैं कल, तो वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे पूरी, वो भी हम आपको सब कुछ शेयर करेंगे कि वो कैसे बनते हैं। उसका बिल्कुल इससे डिफरेंट, जिस तरीके से ये बनता है वो बिल्कुल ऐसे नहीं बनते, वो सिंपल होता है, बिस्किट टाइप होते हैं, लेकिन उनको बनाने में और ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि वो छोटे छोटे से होते हैं, तो वो बहुत सारे बनते हैं। तो अभी हम आपको करते हैं बाय बाय, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया और हम बहुत ज़्यादा थक गए। पहले हम लोग गए हुए थे बाज़ार, पूरा दिन हमारा बाज़ार में लगा है, और उसके बाद हमारे ये प्लान था कि हमने बनाने हैं गोजे, तो हम लोग पूरे दिन से खवार ही हो रहे तो आपको सुन के रह गया। तो अभी हम आपको करते हैं गुड नाइट, बाय बाय, और फिर आपसे हम मिलते हैं कल। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये फ्राई होके कैसे, गरम गरम खाओ तो बहुत मज़ा आता है, और चाय के साथ तो वाह 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 है कि नहीं। तो अब हम आपसे मिलते हैं सुबह, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हाँ जी गाइस, तो गोजे भाई तैयार हो गई है, फ्राई हो गई है, और फ्राई होने के बाद ऐसे दिख रही है। और जैसे ये दिख रही है वैसे खाने में बहुत टेस्टी होगी। मम्मी सुबह 7:00 बजे उठी थी और मैंने 7:00 बजे उठ के सारी फ्राई करी, और अब हमारा कलकल का मसाला सारा तैयार हो चुका है। और यहाँ हमारा कलकल का भी आटा तैयार हो चुका है, इसमें है मैदा, चीनी, अंडे, घी और दूध, है ना, हाँ ये सब कुछ है, और ये दूध से गुंदाई हुई है इसकी, और इसके बनेंगे छोटे छोटे से कलकल जो कि हम बताएंगे आपको कैसे बनते हैं। साथ साथ ही हमारा केक का सामान भी रेडी हो रहा है जो हमने बनाना है क्रिसमस केक, तो अभी इसका भी सामान रेडी हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं कि केक हम किस तरह से बनाते हैं। तो हमारी केक की प्रिपरेशन शुरू हो गई है, अभी मैंने इसमें बटर डाला है, और अब मैं इसमें डालूंगी हमारा ऑरेंज, इसका हम लोग छिलका भी इस्तेमाल करेंगे और जूस भी, और साथ में हमारे हो रहे हैं ये चेरी कटिन खुल रहा है, तो ये खुलेगा तो इसकी जो जूस है वो भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने केक में, क्योंकि हम लोग इसमें वो नहीं डाल रहे, रम नहीं डाल रहे, इसमें हम ये डाल रहे हैं। हमने चेरी के टिड में से सारा उसका जूस निकाल लिया, और फिर हमें लेना है ऑरेंज, ऑरेंज को भी हमने पूरा खाली कर देना है, नींबू भी लेना है उसको भी पूरा स्क्वीज़ करना है, और उनके छिलके भी इस्तेमाल करने हैं। फिर हमने जो चेरी होती है उसको भी काट लेना है, और उसको भी अपने उस मिक्सर में डाल देना है। और फिर हम आते हैं अपने ड्राई आइटम्स की तरफ, हमने लेना है पिसा हुआ गुड़ जिसको बोलते हैं शक्कर, हमें इसको डालना है, और एक ढक्कन हमने डालना है वनीला एसेंस, और फिर हमने सब इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि आपकी जो इतनी भी अंदर गुठलियाँ हैं गुड़ की और मैदे की वो सारी टूट जाए। फिर हमने लेना है जिंजर पाउडर, और फिर हमने लेना है सिनेमन पाउडर 1 टीस्पून। ये है हमारा मिक्सचर जो के था नींबू के जूस के साथ और ऑरेंज के जूस के साथ और चेरी टिन के जूस के साथ, इसमें सारी किशमिश है और इसमें चेरीज है, इन सबको हमने एक साथ पकाना है थोड़ा सा, ताकि उस फ्लेवर्स आपस में मिक्स हो जाए। प्यारी सी कैरल आई थी और वो इतना अच्छा गा के गई है, बहुत दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा गाया उन्होंने। अब डालेंगे अपना मिक्सचर जो हमने रेडी किया था, इसके ठंडे होने का वेट करना, फिर हमने डाला है, एकदम से नहीं डालना, नहीं तो इसमें अंडे जब डालेंगे तो अंडे अंदर पक सकते हैं। फिर इसमें 4 अंडे डाले हैं,
जो कि डाल दिए हुए हैं, और फिर बेकिंग सोडा और 2 कप इसमें हम डालेंगे ऑयल के इस तरीके से। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने कर दें मिक्स ऐसे, और खुशबू इतनी मज़ेदार उठ रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिल कर रहा था ऐसे कच्चा उठा के खा जाओ, लेकिन नहीं। और जब मिक्स होगा तो आपकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और ये हमारा केक तैयार हो गया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस ये है हमारे कलकल, हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग छोटे छोटे बनाते हैं फोर्क से, लेकिन हम लोग इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इससे जो है डिज़ाइन बहुत अच्छा आता है, देखिएगा, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग, मैं बताती हूँ कैसे उसका लगाते हैं ताकि ये चिपके ना, सही है, वरना है, मैं बताती हूँ आपको, इस तरह से रखना है और ऐसे करके इसको रोल करना है, तो फिर ये अच्छी सी शक्ल में आ जाता है। ये देखें, और यहाँ हमारी जो कलकल है वो हो रही है फ्राई। वैसे इसको खजूर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम लोग कलकल बोलते हैं। और यहाँ फ्राई होके ये कुछ ऐसी दिखती है। गाइस आप लोग सब मुझे अपनी दुआओं पे याद रखते हैं क्योंकि अभी तक मैं ठीक नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। ये सब कुछ मैंने बहुत फीवर में बनाया है। तो अब हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड, और आपको करते हैं खुदा हाफिज़। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको करना है लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, और मुझे और मेरी प्यारी सी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। बाय।